पब्लिक टीवी आपकी आवाज। श्री धाम मथुरा से पधारे पंडित नंद किशोर पांडे जी महाराज ने कहा कि कर्मा बाई को मारवाड़ की मीरा भी कहा जाता है। जब जब भगवान कृष्ण का उल्लेख आता है कर्मा का नाम भी आ जाता है। वे भगवान की महान भक्त थी और कृष्ण ने उन्हें साक्षात दर्शन दिए थे। राजस्थान के नागौर जिले की मकराना तहसील में एक गाँव है कालवा। इस गाँव में जीवन राम डूडी के घर 1615 में एक बेटी का जन्म हुआ। भगवान की बहुत मन्नतें मांगने के बाद इनका जन्म हुआ था। नाम रखा कर्मा। कर्मा के चेहरे पर एक अनोखी आभा थी। बचपन से ही उसमें भक्ति भाव के संस्कार भी थे। वृंदावन में आया है स्वामी श्री हरदास जी। अपने लाडले ठाकुर को लाड़ लड़ा रहे हैं, श्री बिहारी जी को लाड़ लड़ा रहे हैं, श्री बिहारी जी को लाड़ लड़ा रहे हैं, गुनगुना रहे हैं। श्यामा प्यारी कुंज बिहारी, जय जय श्री हरदास दुलारे, जय जय श्री हरदास दुलारे। अद्भुत सुंदर शब्द को गुनगुना रहे तानसेन के बगल में जो सहन साक पर आए हैं, महाराज मानो की सुनकर के पागल से हो गए, घबरा गए। तानसेन, इनको तो मेरे दरबार में बुलाना है, इनको तो मेरे दरबार में बुलाना है। खूब प्रेम से प्रयास किया लेकिन स्वामी जी आने वाले कहां। फिर एक क्रूर आक्रांता भी हुए हैं ऐसी बात। साम दाम दंड भेद से स्वामी जी को बुलाने का प्रयास किया गया, मना कर दिया स्वामी जी ने। स्वामी जी ने देखा कि अगर मैं नहीं जाऊंगा तो संत मारे जाएंगे, संतों के लिए काले काले बुरखा भेज दिए गए। सहसा को पता था कि स्वामी श्री हरदास कभी बुरखा पहनेंगे ही नहीं। आदेश करा दिया वृंदावन में, फिर सभी संत अपना स्वरूप अपना तिलक मिटा करके आए। सहसा को पता था कि श्री हरदास कभी चंदन को मिटा ही नहीं सकते। ध्यान दे भक्त, जब स्वामी जी चले हैं तो क्या किया, बुरखे को लिया काट करके फाड़ करके गाती बना लिया। सभी संतों ने डर से भय से गाती उसको पहन लिया, लेकिन स्वामी जी ने गाती बनाया और जो चंदन यहाँ तक था आदि नाक तक उसको थोड़ा सा खींच के लंबा कर दिया। मौत के भय से हम अपने स्वरूप को नहीं मिटा सकते, लोभ के कारण हम अपनी संप्रदाय नहीं बदल सकते, लोभ के कारण हम दूसरे के बाप को बाप नहीं कह सकते। वही स्वामी श्री हरदास जी और जब दरबार में पहुंचे हैं, समस्त संतों ने प्रणाम किया है। ऐसे थे हमारे ब्रज के रसिक संत स्वामी श्री हरदास जी। एक बार प्रेम से पुनः बोलिए।